कुंडली में शनि की स्थिति लोगों के जीवन को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। यह निश्चित है कि अपने निर्धारित दिनों के अनुसार सभी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका असर सभी राशियों पर बराबर देखने को मिलता है। इसी कड़ी में 6 मार्च को कुंभ राशि में बड़ा धमाल होने वाला है, क्योंकि यहां शुक्र ग्रह का प्रवेश काफी ज्यादा परिवर्तन ला सकता है। बता दें कि इस राशि में पहले से ही शनिदेव विराजमान है, इसीलिए ये दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ मिलकर सभी जातकों को लाभदायक फल देने वाले हैं। इस दौरान यह 5 राशि काफी ज्यादा लकी होने वाली है। आइए जानते हैं विस्तार से। आगामी 7 मार्च को शुक्र जो ग्रह जो है वह कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है, और जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उनसे संबंधित जो राशियां रहती हैं उनके ऊपर वह अपना प्रभाव डालता है। शुक्र का संबंध धन वैभव ऐश्वर्य इत्यादि से रहता है, और इस समय कुंभ राशि में शुक्र का जब प्रवेश होगा तो यह आकर्षण धन धान्य ऐश्वर्य और सौंदर्य को बढ़ावा देगा, और कुछ राशियों को यह लाभ देता भी हमको दिखाई दे रहा है। जिनमें पहली मेष राशि है, मेष राशि के गोचर में 11वें भाव में शुक्र संचरण करेगा, जिसके कारण पदोन्नति, कार्यस्थल पे प्रशंसा, आर्थिक लाभ उनको प्राप्त होगा। कन्या राशि में शुक्र जो है 6वें भाव में संचरण करता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण अध्यात्म में उनको रुचि जागृत होगी, यात्रा होगी, वित्तीय लाभ होगा, स्वास्थ्य इत्यादि में भी उनको लाभ की प्राप्ति होगी। कर्क राशि में शुक्र का गोचर 8ष्टम भाव में होने जा रहा है, तो यदि व्यक्ति के कर्क राशि के जातकों के दाम्पत्य में भी किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, उन परेशानियों से उनको निदान होगा। लेकिन एक सावधानी की बात यह है कि उनको किसी को धन देने में विशेष प्रकार की सावधानी रखना चाहिए, और वाणी से उनको लाभ होगा, आकस्मिक धन लाभ की भी उनको प्राप्ति होगी। लोकलिटी नर्मदापुरम से दुर्गेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ये वीडियो ज्योतिषाचार्य के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बनाई गई है। लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।